अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्फा ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से एक और आपके लिए टेक्निकल वीडियो लेके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 12 mm ग्लास रेलिंग आपको कौन सी लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। तो ये एक मेरे पास शॉर्ट क्लिप आया था, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँ। ये जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जी बिल्कुल, ये वीडियो जैसे कि आपको नज़र आ रही है, इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ग्लास रेलिंग की नीचे वाली साइड पे अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे SS के L क्लिप लगे हुए हैं। तो जो SS के L क्लिप है और टॉप वाली साइड पे अगर आप लोग ऐसे ग्लास रेलिंग को देखते हैं तो ऊपर वाली साइड पे किसी भी किस्म का ना तो कोई SS का पाइप है और ना ही कोई SS का फ्रेम है। तो अब ऐसी जो रेलिंग लगाते हैं ग्लास रेलिंग, इसका नुकसान क्या है? देखिए, जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में आंधी वगैरह आती है, आंधी का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो यही ग्लास आपके उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे और ग्लास आपके डैमेज हो जाएंगे, ग्लास आपके टूट जाएंगे। अगर आप ऐसी रेलिंग लगवाना चाहते हैं, मैं जो तरीका आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ही ईजी है और उसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा और जो आपकी SS की एसेसरी है उसके भी आपके पैसे बचेंगे, ठीक है। और उससे कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा? उसका जो नुकसान है वो नहीं होगा, लाइफ टाइम उसका नुकसान नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे वाली साइड पे SS के क्लिप है, नीचे वाली साइड पे आपने SS के क्लिप नहीं लगाने, नीचे वाली साइड पे आपने एक इंच या 1.5 इंच गहराई में जरी लगानी है, मार्बल के अंदर आपने जरी लगानी है। जरी लगाने के बाद आपने ग्लास को उसके अंदर डिलीवर कर देना, ग्लास को उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अगर आपका ग्लास मोटाई में 0.5 इंच है तो आपको जो जरी लगानी पड़ेगी चौड़ाई में, 5 x 1.5 इंच की आप लोग जरी लगा लें और ग्लास को उसके अंदर जरी के अंदर डाल दें। बाद में आप बिल्कुल पानी जैसा सीमेंट बनाएं, अंदर से उसकी जब फिलिंग करेंगे तो बाहर वाली साइड पे ऑटोमेटिक वो जो सीमेंट की फिलिंग है वो चली जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपकी एसेसरी के जो पैसे हैं वो भी बचेंगे और कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा? उसका जो काम है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड का काम है वैसा हो जाएगा। और किसी भी किस्म की अगर आंधी आती है, तूफान आता है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ऐसा अगर आप लोग ग्लास लगाएंगे तो आपका ग्लास कभी भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो घंटी का बटन है सबसे ऊपर वाली घंटी पर जाके पुश कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें, फेसबुक पर भी। जज़ाकअल्लाह, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।